बड़सर उपमंडल के तहत ननामा पंचायत के पशु औषधालय भवन गिरने के कगार पर है। ऐसे भवन में कर्मचारी भी बैठने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत द्वारा कई बार विभाग को इस भवन की रिपेयर के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, मगर आज तक इस भवन की रिपेयर नहीं हो पाई है। बरसात के समय में इस भवन में बारिश का पानी टपकता है, जिससे कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भवन की दीवारों का सीमेंट भी उखड़ चुका है। लोगों ने जयराम सरकार से गुहार लगाई है कि इस भवन का नए सिरे से निर्माण किया जाए। स्थानीय पंचायत निवासी जोगिंदर पटियाल का कहना है कि पशु औषधालय भवन की हालत खस्ता है और ये कभी भी गिर सकता है। इसकी रिपेयर की जाए तथा यहाँ चार पंचायतों के लोग अपने पशुओं का इलाज करवाने के लिए पहुँचते हैं, इसलिए इस पशु औषधालय में डॉक्टर की तैनाती की जाए। मेरा नाम जोगिंदर पटियाल है जी। मैं यहाँ पर अध्यक्ष जन कल्याण परिषद बड़सर का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हमारे जो ब्याड़ में पशु औषधालय है उसकी हालत जो है बहुत बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है, तो उसको ठीक किया जाए। और इसको कुछ लोगों पंचायतों की तरफ से चार पंचायतें हैं यहाँ, तो चार पंचायतों में यहाँ छोटा हॉस्पिटल है ये, यहाँ इसको बड़ा किया जाए ताकि ब्याड़ जो है वो कॉमन जगह है जिसमें पंचायत ननामा, पंचायत कलोण, पंचायत कनो और पंचायत करसाई के चार पंचायतों के लोग आते हैं, तो इनको जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल जो है वो बर्थन में है या दांदड़ू में है। तो इस करके हम अपील सरकार से अपील करते हैं कि यहाँ पर इसको बड़ा किया जाए ताकि लोगों को यहाँ पर सहूलत मिल सके। उधर स्थानीय पंचायत निवासी श्याम लाल ने भी सरकार से इस भवन की रिपेयर के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लोगों का प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। लोगों को पशुओं के इलाज से संबंधित यहां डॉक्टर न होने के कारण 10 से 15 किलोमीटर दूर बड़सर पशु औषधालय में जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का स्थानीय निवासी ग्राम पंचायत ननामा का स्थानीय निवासी और मैं चाहता हूँ कि एक तो वहाँ के जो भवन है बिल्कुल जर्जर हालत में, पता नहीं इसकी किसने बनाया, कितना टाइम हो गया, इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इसको इसके रिपेयर किए जाए, इसको बनाया जाए। और दूसरा यहाँ पर एक मुख्य समस्या ये है कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन, दुधारू पशु रखते हैं या पशु लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ हमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं। डॉक्टर यहाँ से 10 किलोमीटर या तो 12-14 किलोमीटर दांदड़ू पड़ता है या बड़सर पड़ता है, 12 किलोमीटर वहां पर जाकर डॉक्टर मिलता है। तो हमारी ये है कि यहाँ एक सेंटर प्लेस है चार पांच पंचायतों का, यहाँ तो यहाँ इसको दर्जा बढ़ाया जाए, यहाँ डॉक्टर की पोस्ट हो जाए तो हमें लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी। और जो दुधारू पशु उनके बारे में जानकारी लेनी हो लोगों को, या तो इसके बारे में जो फार्मासिस्ट है वो पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर आएंगे तो लोगों भी खुश हो जाएंगे और लोगों का जो इस व्यवसाय है इस पे रुचि और ज्यादा कि इस ओर भी हमारा ध्यान दिया जाए, डॉक्टर की पोस्ट दी जाए और इसको दर्जा बढ़ाया जाए ताकि लोगों का जीवन खुशहाल हो। उधर बड़सर के सीनियर वेटरनरी ऑफिसर केएल शर्मा का कहना है कि इसके बारे में उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से जानकारी दे दी जाएगी, जल्द ही इस भवन के रिपेयर के लिए बजट की मांग की जाएगी।